सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। आप में से बहुत सारे कैडेट्स का सपना होता है कि वो भी सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, दो स्टार अपने इस कंधे के ऊपर लगाना चाहता है, दो सितारे अपने कंधे के ऊपर लगाना चाहता है। तो आप सभी एनसीसी कैडेट्स के लिए आज एक सुनहरा मौका है। तो इसकी एक बड़ी ऐसी वैकेंसी निकली है और उस वैकेंसी में आप सभी एनसीसी कैडेट्स को जो वो बेनिफिट दिया जा रहा है, तो वो क्या बेनिफिट है इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और बहुत सारे बच्चे देखो, आप जो है सबसे पहले अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। जैसे ही आप गूगल क्रोम को ओपन करोगे, वहां पे आपको सर्च करना है rozgarkidunia.com। इस तरीके से आपको सर्च करना है rozgarkidunia.com। फिर उसके बाद आप सर्च करोगे तो ये पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी rozgarkidunia.com की। तो इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लेटेस्ट जॉब वाला जो है एक सेक्शन आ जाएगा। इस लेटेस्ट जॉब में आप देखोगे SSC CPO SI रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023। इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है वो यहाँ पे इसकी रिक्रूटमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। अब पहले इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा बेसिक चीजें। देखिएगा तो भर्ती जो है पद का नाम है सब इंस्पेक्टर। इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा और इसकी आवेदन की जो तारीख है वो शुरू हो चुकी है, 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट तारीख है वो है 15 अगस्त शाम 6 बजे तक आपको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी फीस की, ठीक है, तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपीज की फीस है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है और जितने भी हमारी महिलाएं हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, इस बात को याद रखेंगे। ओके, और इसका जो पेमेंट का मोड है वो आप ऑनलाइन इसके लिए पेमेंट कर सकते हो। अब बात करेंगे बच्चों इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिएगा SI CPO पोस्ट जो है वो टोटल वैकेंसी इसमें आपको मिल जाती है, 1876 वैकेंसी मिल जाती है। दिल्ली सब इंस्पेक्टर के लिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपको किसी भी वर्ग में जो है वो स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और बाकी जितने भी पोस्ट है उन सभी में जो है वो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है वो आपको स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ओके, अब बात करेंगे बच्चों वैकेंसीज के बारे में। तो इसमें हमें वैकेंसी देखने को मिल जाती है, दिल्ली पुलिस SI की वैकेंसी जो है वो टोटल जो है यहाँ पे 109 वैकेंसी है। BSF में जो है वो 107 वैकेंसी है। CISF में जो है वो 567 वैकेंसी मिल जाती है। CRPF में 788 वैकेंसी मिल जाती है। ITBP में जो है वो 54 वैकेंसी मिल जाती है और सशस्त्र सीमा बल में जो है वो हमें 85 वैकेंसी मिल जाती है। ये सारी वैकेंसी जो है वो हमारे मेल कैडेट्स के लिए, मेल बॉयज के लिए, बच्चों याद रखना, ठीक है, कैडेट्स यानी कि सभी के लिए, मेल के लिए। अब उसके बाद में हम बात करेंगे बच्चों फीमेल की वैकेंसी। तो फीमेल की वैकेंसी में जो है वो दिल्ली पुलिस SI के लिए 53 वैकेंसी मिल जाती है। BSF में 6 वैकेंसी, CISF में 63 वैकेंसी मिल जाती है, CRPF में 30 वैकेंसी और ITBP में जो है वो 9 वैकेंसी और सशस्त्र सीमा बल में जो है बच्चों 5 वैकेंसी गर्ल्स के लिए जो है वो दी गई है, याद रखें। ओके, अब इसके बाद में हम इसके फिजिकल के बारे में देखते हैं कि इसमें फिजिकल कैसे होगा। अगर इसकी बात करेंगे आपकी हाइट की, लंबाई जो है वो बॉयज जो पुरुष है जनरल OBC और SC के लिए जो है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए और जो जो ST है उन्हें जो है वो ST कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है वो लगभग 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। बाकी चेस्ट वगैरह इधर दौड़ 100 मीटर की दौड़ होगी, टाइमिंग है 16 सेकेंड का, ठीक है। उसके बाद में लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में बात करेंगे महिलाओं की। तो महिलाओं की जो हाइट है जनरल OBC और SC के लिए 157 सेंटीमीटर, याद रखना जितनी भी महिला है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होगी और महिलाएं जो ST है उनकी जो हाइट है वो 154 सेंटीमीटर उनकी हाइट होगी और इसमें आपको 100 मीटर जो है वो रनिंग होगी दौड़ और 18 सेकेंड का समय होगा महिलाओं के लिए। ये सारी चीजें आपको जो है उसके बाद में आपको जो है वो पार करनी पड़ेगी। ये सारा फिजिकल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अब इसकी बात करेंगे बच्चों एज लिमिट के बारे में। तो 20 वर्ष इसकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम जो है वो 25 वर्ष, यानी कि आपकी 20 कंप्लीट हुआ है तो आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना। अब बात करेंगे
और इसके अलावा भी आपको जो है वो आयु में भी छूट दी जाएगी, ठीक है, जो आपका एज रिलैक्सेशन है उस कैटेगरी के हिसाब से। अब बात करेंगे हम सभी को जिसका बेसब्री से इंतजार था कि एनसीसी होल्डर्स को क्या बेनिफिट मिल रहा है एसएससी सीपीओ में। बच्चों हम बात करेंगे जिसके अभी पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उन्हें 10 मार्क्स मिल रहे हैं, यानी कि 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि यहाँ पे आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे जिनके भी पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है उन्हें 6 मार्क्स मिलने वाले, 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, 6 मार्क उन्हें मिलने वाले। और जिनके भी पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उन्हें 4 बोनस मार्क यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इसलिए बच्चों ये जो मार्क्स है 10 मार्क बहुत बड़ा नंबर होता है। आपको पता है कि भैया आप जब सब इंस्पेक्टर बनते हो तो भैया 2 सितारे आपके शोल्डर पे लगते हैं, और ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं होती है, ठीक है, सेंट्रल की जॉब है आप सभी को पता है, और इसमें आपकी सैलरी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छा होता है, और 10 मार्क यहाँ पे हम सभी एनसीसी कैडेट्स को बोनस के तौर पर दिए जा रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि हमें इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, और इसकी फीस भी कुछ नहीं है, 100 रुपीज फीस है। अगर आपकी पढ़ाई अच्छी है तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर देना। 10 नंबर यहाँ पे मिल रहे हैं भैया, 10 नंबर। लोग एक एक नंबर से फेल होते हैं, एक एक नंबर से रिजल्ट नहीं आता है लोगों का, तो यहाँ पे आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो इसलिए सोचिए कि भैया 10 नंबर तो आपको पहले से ही मिला हुआ है। ओके, तो इसीलिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना। जितने भी हमारी एनसीसी की कैडेट्स है, जो गर्ल्स कैडेट है, आपको तो मौका है, यहाँ पे कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आज ही कर देना। ओके, उसके बाद में बाकी और चीजें अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ पे जो है इसका आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करना चाहते हो तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करो। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ऊपर ऊपर विजिट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट भी कर सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके जितने भी जो दोस्त है जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और जो जिनका एनसीसी हो चुका है उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना, जिससे कि वो भी जो है इस भर्ती भर्ती में जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाए और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सीनियर के पास, और जो भी एनसीसी में है और अपनी ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो वो बच्चा मिशन एनसीसी बुक को ऑर्डर कर लेना, अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, जो एनसीसी 2024 में पेपर देने वाले तो इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बिल्कुल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।